हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? तो आज के वीडियो में आज मैं आपके साथ जो है ना बहुत ही अच्छी चीज़ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आप ये मेरा गार्डन का व्यू देख सकते हो। जैसे कि आपको पता होगा, मैं अभी यहाँ से शिफ्टिंग करने वाली हूँ और मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि इतने अच्छे अच्छे प्लांट्स को लेकर शिफ्टिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है शिफ्टिंग के दौरान, तो अभी इसका मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से पूरे जो प्लांट हैं मेरे वो अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे इस वाले जो गमले का टेंशन है, क्योंकि इतना अच्छे से भरा भुरा है और इसको मैं कैसे लेके जाऊँगी। ये देखिए, और स्पाइडर प्लांट है, छोटे से गमले में मैंने लगाया है और कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है। क्योंकि ये जो मेरे बालकनी का जो एरिया है ना, यहाँ पे धूप नहीं आती लेकिन अच्छी सी ब्राइट रोशनी आती है। और ये जो कटिंग्स लगाई थी ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। खैर छोड़िए, तो अभी चलते हैं मेन वीडियो की तरफ जो मुझे आपके साथ शेयर करना है। तो आप जो ये देख रहे हैं ये अरालिया का प्लांट है। इसे इसका जो नाम है अरालिया अरेलिया ऐसा करके पुकारा जाता है। तो इसको मैंने आपके साथ शेयर किया था पिछले वीडियो में कुछ दिनों पहले कि मैंने इसको जो है कट किया था। तो देखिए, इसकी जो कटिंग थी मैंने इस तरह की कांच की बॉटल में डाली थी और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से जो है ना इसके रूट्स जो है ना वो निकल के आ चुके हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखना उसे। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगी। तो आप देख सकते हो कि ये ग्रो इसके रूट्स आते वक्त और इसकी जो नई नई पत्तियां है वो भी यहाँ पे आने शुरू हो चुकी है। बहुत ही आसानी से जो है ना ये इसकी कटिंग जो है पानी में ग्रो हो जाती है। मौसम का कोई भी इसमें ऐसा डिपेंडेंसी नहीं कि यही मौसम चाहिए वही मौसम चाहिए। क्योंकि मुझे ये जो प्लांट आप देख रहे हो इसी की कटिंग मैंने की थी। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने कट लगाया था और उसी के नज़दीक से जो है ना वो नई वाली ब्रांच जो यहाँ पे वो आ गई है। और देखो कितनी बड़ी हो चुकी है, मतलब इसको रूट्स आने में टाइम लग गया लेकिन इसकी जो नई ब्रांच है ना वो आके जिस तरह से वो बड़ी हुई ना बहुत ही ज़्यादा फास्ट हुई है। मतलब लगभग 1 से 1.5 महीने पहले मैंने इसकी कटिंग की थी। रूटिंग के लिए इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि कुछ दिन के लिए मैं इसको भूल भी गई थी, पानी चेंज करना भूल गई थी, तो ये स्लो हो चुका था। लेकिन फिर भी इसने बहुत अच्छे से रूट्स निकाले। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ ना कि इसको मैं शिफ्ट करने वाली हूँ क्योंकि अभी तो मुझे शिफ्टिंग करनी है। तो इस तरह के जो वाटर प्लांट्स हैं वो लेके जाना बहुत ही हार्ड होता है। तो मैं क्या करूँगी, इसी गमले में मैं लगाने वाली हूँ। मेरा पर्पस भी वही था कि मैं इसको जो है ना ये बहुत लंबा जा रहा था, तो मैंने तभी सोचा था कि मैं इसको कट करूँगी और इसको इसकी कटिंग इसी गमले में लगाऊँगी ताकि ये नीचे से जो है ना अच्छा जो है ना ऐसा बूशी दिखे, इसलिए मैंने ये कट किया था। तो अभी मैं किसी चीज़ की सहायता से वहाँ पर छेद कर ली हूँ, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा नहीं इसलिए बड़ा छेद कर ली हूँ। क्योंकि हमें इसकी जब हम मिट्टी में ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें जड़ें जो है ना वो टूटनी नहीं देनी है और इस तरह से इसको मिट्टी के अंदर दबाना है कि इसकी जड़ें बिल्कुल भी जो उनको धक्का ना लगे वो टूटे नहीं। तो इस तरह से मैं केयर करके इनको कर रही हूँ। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। अगर एक बार आपको कहीं से कटिंग मिल जाती है या फिर आप नर्सरी से लेके आते हो, इसको इसमें जो है ना वेरिएटेड भी आपको वैरायटी मिल जाती है। तो आप एक बार लेके आओ और फिर इसी कटिंग करके आप ढेरों प्लांट्स इसे बना सकते हो। इसकी ब्रांचेस निकलती है अगर आप इसको रेगुलर कटिंग और प्रूनिंग करते रहे तो, और इसको खास देखभाल की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इजीली ये ग्रो हो जाता है। अगर आप पानी देना भूल भी जाते हो 4-5 दिन के लिए तो भी ये उसके बाद सर्वाइव कर जाता है। तो बहुत ही हार्डी प्लांट में जो है ये आता है और इसको धूप की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप इसे छाँव में भी रखते हो तो भी चल जाता है, धूप में रखते हो तो भी चल जाता है, ज़्यादा पानी हो जाता है तो भी चल जाता है, कम पानी हो जाता है तो भी चल जाता है। तो इतना ईजी टू ग्रो प्लांट है अरालिया जिसका नाम है। अगर आपके गार्डन में आपने अभी तक ऐड नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर ऐड करना। तो अभी सिंपली मैंने यहाँ पे जो कटिंग थी वो यहाँ पे लगा दी है मैंने और अभी मैं इसे अच्छे से पानी दे दूँगी। अभी मुझे ख्याल सिर्फ इस बात का रखना है, अभी हम कोई भी कटिंग हो, किसी भी प्लांट की कटिंग हो, जब हम उसे पानी में से सॉइल में शिफ्ट करते हैं तो उस प्लांट को कम से कम 3 से 4 दिन के लिए हमें धूप में नहीं रखना है, छाँव में रखना है ताकि वो कटिंग अच्छे से जो है वो उसमें एडजस्ट हो जाए। तो अभी मैं यही करने वालूँगी और वैसे भी 3-4 दिन बाद हमारी शिफ्टिंग है, तब तक ये सेट भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।